हेलो एंड वेलकम टू रुखसास किचन। वायरस की वजह से दुकानें बंद है और अगर खुली भी है तो बाहर से खाने की चीज़ मंगाने भी हमें डर लग रहा है। तो अगर ऐसे तौर पर हमें कुछ मीठा खाने दिल चाहे तो क्या करें? तो आज हम देखेंगे आटे का हलवा, जो बिल्कुल आसानी से बन जाता है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी सिर्फ जो घर में मिलते हैं उसके साथ हम बनाएंगे। तो ये हलवा सिर्फ तीन चीज़ों से बनता है। तो सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिए हैं। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 कटोरी आप घी डाल सकते हैं। तो घी को हम पिघला लेंगे और जितना हम घी लेंगे उसके हिसाब से ही हम आटा लेंगे, यानी अगर 1 कटोरी हमने घी लिया है तो 1 कटोरी हम आटा लेंगे। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो मीडियम रखा है। तो अब हम आटे को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चलाते हुए इसको भुनना है। तो जैसे ही आटे का कलर हल्का चेंज हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और चलाते हुए लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक। तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आटे को अगर आप लो फ्लेम पर ही भुनेंगे तभी आपका हलवा टेस्टी बनेगा। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो अनइवन पककर ये उतना टेस्टी नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल हल्का हो चुका है और घी भी छूटने लगा है और कलर भी देखिए कितना अच्छा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जितना हमने आटा लिया है उतना ही हम चीनी डालेंगे। तो 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी डालेंगे क्योंकि आटा मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया था। तो आटे को भी हम, यानी चीनी और आटे को दोनों पिघलने तक फिर से इसको भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट भुनने के बाद आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिघल गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जितना हमने आटा लिया है उसका दुगना हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो गैस के फ्लेम को यहाँ हम लो ही रखेंगे और इसको हम मुसलसल इस तरह से चला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो अब हम लो फ्लेम पर ही इसको पका लेंगे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं पानी भी सूख गया है तो हलवा भी अच्छे से घट हो चुका है। अगर आपको नरम चाहिए तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको और पकाती हूँ, 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको और भून लिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो घी अच्छे से छूट चुका है, हलवा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट या बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लीजिए आसान से बनने वाला बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़े से बादाम से सजा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।